बस कुछ देर में इंजीनियर सच्चिदानंद राय शपथ लेंगे विधान परिषद में, और पूरी तैयारी इन्होंने कर ली है। किस तरीके की तैयारी है सर, जीत के बाद काफ़ी जश्न का माहौल दिख रहा है? नहीं देखिए, जिस तरह से ये चुनाव हुआ, जिस तरह से टिकट कटा, फिर हम लोग निर्दलीय लड़े, और जिस प्रकार से सारण के प्रबुद्ध जनप्रतिनिधियों ने अपना जनादेश, मतलब बिना कोई उसमें लाग लपेट नहीं था, स्पष्ट जनादेश जिस तरह से दिया और षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र का जवाब दिया, तो निश्चित रूप से हमारे ऊपर जिम्मेवारी कुछ बढ़ जाती है। आज शपथ ले रहा हूँ, पुरानी बातें भूल जाने का समय है। शपथ लेकर किस प्रकार से जो जो संकल्प मैंने उनके समक्ष रखे हैं, बताया है कि मेरा ये संकल्प है, उसको बार बार दोहराया है, अब उन संकल्पों को पूरा करने का समय आ गया है। अब मेरी जो जिम्मेवारी होगी, प्राथमिकता होगी, वो होगी किस प्रकार से जनप्रतिनिधियों के मान सम्मान और अधिकार को बढ़ाया जाए और पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए, धरातल पर उतार कर मजबूत बनाया जाए। आपने पेंशन की भी बात की थी और तमाम चीज़ें, जब अधिकारों की बात मैं करता हूँ तो सबसे पहले जो उनके अधिकार जो हैं पंचायती राज अधिनियम में जो निहित हैं कि पंचायतों की सरकार जो है पंचायत से चले, अर्थात गाँव को सरकार मिले, तो सबसे पहले वो करना जरूरी है। और जब पंचायती राज व्यवस्था के लोग सरकार चलाने लगेंगे तो निश्चित रूप से जब सांसद और विधायक सरकार चलाते हैं तो उनको नियमित वेतन भत्ता मिलता है, पेंशन मिलता है और मेडिकल वगैरह की फैसिलिटी मिलती है, तो उसी प्रकार से इनका भी वेतन पेंशन भत्ता मेडिकल ये तो बनता ही है, लेकिन सबसे पहले अधिकारों को जब धरातल पर उतारना, ये हमारी प्राथमिकता होगी। क्या जीत के बाद सर, शपथ लेने के बाद किसी पार्टी में भी शामिल होंगे? जिस तरीके से बीजेपी ने आपको निष्कासित कर दिया, उसके बाद बीजेपी से किसी तरह की, उसके लिए मेरे पास भरपूर समय है। मैं देखूंगा क्या करना उचित होगा और उसमें जब भी मैं कोई निर्णय लूंगा तो निर्णय जो मेरे संकल्पों को पूरा करने में किस तरह से सहयोग मिलेगा वो रहेगा। बीजेपी में फिर से सारण का किसका कैसे हित होगा वो रहेगा, और बिहार का कैसे हित होगा वो रहेगा, और ख़ास करके जो हर बिहारी को संकल्प लेना चाहिए कि पलायन को रोकना है, क्योंकि कोरोना के समय जो पलायन किए हुए मजदूरों का लौटते हुए जो विभत्स हम लोग का दृश्य देखने को मिला, वो दोबारा देखने को ना मिले, इसलिए पलायन को रोकना है, बेरोजगारी को कम करना है, इस दिशा में काम करना है। उसके लिए जो दल जो आवश्यक होगा वो समय पर हम तय करेंगे, अभी आज के तारीख में केवल संकल्पों के साथ जीना है। जिस तरीके से आपके समर्थकों ने कहा था कि ये तो झांकी है, महाराजगंज अभी बाकी है, इसका क्या देश समर्थकों के जो चाह है, उनकी जो भावना है, उसका तो मैं कदर करता ही हूँ, और हर नेता हमेशा चाहता है कि उससे ऊंचे सदन में चलूँ ताकि और ज़्यादा काम कर सकूँ, तो ऐसा मैं उसको मना तो नहीं कर सकता, लेकिन आज की तारीख में प्राथमिकता नहीं है। तो क्या लगता है आने वाले समय में लोकसभा चुनाव? कह तो रहा हूँ आज की तारीख में प्राथमिकता नहीं है, वो 24 का चीज 24 में देखा जाएगा। उचना पे उपचुनाव हो रहे हैं सर, उसको लेकर क्या कहेंगे? एक समुदाय को पूरी तरीके से इकट्ठा करने में लोग लगे हुए हैं, जिस तरीके से भूमियार समाज को एकत्रित करने में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं बेबी कुमारी को हराने के लिए कई मैदान में लोग उतर चुके हैं। देखिए, वैसे तो मैं निष्पक्ष हूँ, इसीलिए मैं किसी के प्रचार के लिए वहाँ नहीं गया, लेकिन जो हमारे समाज के लोग हमारे संपर्क में हैं और मेरा टिकट कटने के चलते काफ़ी आक्रोशित भी हैं और सबक सिखाने के मूड में भी हैं, तो जो मेरी जो बातें हुई हैं उससे विश्लेषण से मुझे ये लगता है कि बेबी कुमारी के लिए वहाँ काफ़ी कठिनाई है और बड़ी बड़ी हार दिख रही है मुझे। तो देखिए, इन्होंने साफ तौर से बोचा उपचुनाव पर भी इशारा कर दिया है कि एक समुदाय की ओर जो है पूरी तरीके से लोग जो है वो गुस्सा में है, क्योंकि इंजीनियर सच्चिदानंद राय के टिकट कटने के बाद जो है जो भूमियार समाज है वो काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि बीजेपी से उन्हें टिकट नहीं मिला था MLC का, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय मैदान में उतर कर जीत हासिल कर ली है, और आज दूसरी बार विधान परिषद में वो शपथ लेंगे, और उसके बाद शपथ लेने के बाद जो है जो उन्होंने संकल्प लिया है पंचायत के लिए वो काम पूरा करेंगे। ये तो आ रहे, आगे की अपडेट्स के लिए आप बने रहें 10 दिन उसके साथ, और देखते रहें 10 दिन।